बहुत बार हमें समझ नहीं आता हम एक इमोशनल फेज से गुजरते हैं उसमें कैसे अपनी मदद करें मैं आपको कुछ पार्ट के नाम बताती हूँ ये आपको इमोशनली उस सिचुएशन में परफेक्शन के साथ हेल्प करेंगे जैसे अगर आपको अपनी सोशल इमेज की चिंता है आपको लगता है सोशली आपको अपनी पोजिशन स्ट्रांग करनी है तो आपको रामचरित्र का पाठ करना चाहिए ये सूर्य को मजबूत करता है अगर आपको अपनी ब्रेन को इंटेलिजेंट बनाना है चाहे बच्चे हो या आप हो ब्रेन को शार्प करना है तो बुद्धि के देवता गणेश जी गणेश अथर्वशीष का पाठ सुनना या करना चाहिए वेल्थ को अट्रैक्ट करना हो तो माँ लक्ष्मी का श्री सुक्तम या कनक धारा स्त्रोत्र आपको एक जगह बैठ कर सुनना चाहिए लक्ष्मी माँ का नेचर चंचला है लक्ष्मी का पाठ चलते हुए नहीं होता टिक होता है अगर आपके अंदर इस तरह की एनर्जी की आप एक्शन नहीं ले पाते विल पावर नहीं है स्ट्रेंथ नहीं है तो हनुमान चालीसा सुनना भी है और करना भी है इसी तरीके से अपने अंदर का ज्ञान लेना है तो विष्णु सहस्त्र नाम आपको विजडम देते हैं और अगर मन को खुश रखना है चंद्रमा को मजबूत करना है तो शिव सहस्त्र नाम को सुनना चाहिए ये चंद्रमा में मजबूत करता है मन को भी शांत रखता है और अगर आपनी लाइफ में सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो भगवद गीता का पाठ करें